बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम मेकिंग कढ़ी पकौड़ा। इसके लिए हमें चाहिए दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक, घी और प्याज। सबसे पहले हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और फिर हम सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, फिर इसमें घी डालेंगे और फिर उसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। कोई भी गिल्टी नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पैन में ऑयल डालेंगे अब हम, और अब इसमें हम ऑनियंस ऐड करेंगे और उन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑनियंस जब पिंक होने लग जाए, जो हमने मिक्सचर बना के रखा था बेसन का, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक बॉईल ना आए चम्मच हिलाते रहना ताकि कोई गुठली ना बने इसमें। अब हम चलते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन, नमक, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, क्यूमिन, सूखा धनिया, कोरिएंडर, कसूरी मेथी, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, चॉप्ड पोटैटोस, आलू, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज। अब हम सारी चीज़ों को बेसन में मिक्स करेंगे। सबसे पहले बेकिंग सोडा डालेंगे, उसके बाद हम सारी स्पाइसेस डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं कढ़ी इतनी देर में रेडी हो गई है, इसका ऑयल ऊपर आ गया, ये बिल्कुल रेडी है। दूसरे चूल्हे पे हमने पकौड़े फ्राई करने रख दिए हैं, पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम चलते हैं कढ़ी के तड़के की तरफ। तड़के के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल डालेंगे और फिर सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। लहसुन गोल्डन हो गया है, इसके अंदर हम सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं और अब हम इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे, सूखी हुई साबुत लाल मिर्च, और अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इतना कि मत जले ना ऑयल, और फिर हम इसको अपनी सर्विंग के ऊपर डाल देंगे। बहुत मज़ेदार था कढ़ी पकौड़ा तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोहम्मद ईसाज़ व्लॉग्स आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।